नमस्कार, मैं हूं कविता। हेल्दी क्रेविंग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूं झटपट से बनने वाले ऐसे पुलाव की रेसिपी जिसे कि आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में बना सकते हैं। साथ ही बनाएंगे इसके बहुत ही टेस्टी रायता और चटनी। आप इस पुलाव को सिर्फ 10 से 12 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे तो राइस सभी को पसंद होते हैं, लेकिन हम इस तरह का पुलाव बनाएंगे तो घर में बच्चे और बड़े सभी को ये बेहद पसंद आएगा। आज इस पुलाव को मैं कुकर में बनाऊंगी, जिससे कि ये झटपट से तैयार होगा। आपका पुलाव भी एकदम से बढ़िया बने उसके लिए वीडियो को प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले पुलाव को बनाने के लिए हम देख लेते हैं कि हमें चावल कितने लेने हैं। ये मैंने एक कटोरी भर के चावल लिया है, जो वजन से है करीबन 200 ग्राम। आज मैं कोई भी मेजरिंग कप से नहीं बनाऊंगी, इसी कटोरी से नापकर ही हम पुलाव बनाएंगे। ये पुलाव 4 जनों के लिए सफिशिएंट है। देखिए, राइस को मैंने आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। भिगोने से पहले चावलों को 2 से 3 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। राइस को भिगोकर बनाएंगे तो पुलाव ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसके अलावा बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। 200 ग्राम पनीर, फ्रेश मटर के दाने जो वजन से है करीबन 150 ग्राम, 15 से 20 काजू लिए हैं, ऑयल 1 टेबल स्पून, गरम मसाला, नमक और इसके अलावा लेंगे पानी। पुलाव के लिए हमें बस इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और हमारा पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। अब पुलाव को बना लेते हैं। ये लिया है मैंने प्रेशर कुकर और फ्लेम को कर दिया है हाई। पहले कुकर को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। मैं इस तरह का पुलाव कढ़ाई में बनाकर भी बता चुकी हूँ, आप मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं। अब ये गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे हम ये 1 टेबल स्पून ऑयल। आप चाहें तो इसे देसी घी में भी बना सकते हैं या बटर में भी बना सकते हैं। ऑयल हो गया है गर्म, अब इसमें डाल देंगे हम ये काजू। देखिए, काजुओं को मैंने इस तरीके से 2 पीस में कट कर लिया है। अब फ्लेम को यहाँ पर हम कर देंगे बिल्कुल लो और काजू को सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। काजू का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐड कर देंगे ये पनीर। देखिए, पनीर को मैंने इस तरीके से साइजेस में काट लिया है। आप पनीर का साइज़ छोटा बड़ा अपने पसंद के हिसाब से काट सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को कर देंगे हम लो टू मीडियम और पनीर को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे। पनीर को इससे ज़्यादा रोस्ट करेंगे तो पनीर जो है वो थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है, टाइट हो जाता है, इसलिए मैं पनीर को इसमें एकदम से ज़्यादा रोस्ट नहीं करूँगी। अब पनीर हमारा अच्छे से इसमें कुक हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये फ्रेश मटर। अब मटर को भी 2 मिनट के लिए पनीर के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। आप पुलाव में सिर्फ मटर डाल के भी बना सकते हैं, वो मटर पुलाव भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब इसमें ऐड कर देंगे यहीं पर हम गरम मसाला 1 टीस्पून पिसा हुआ। आप चाहें तो इसमें साबुत गरम मसाला भी डाल सकते हैं। नमक डालेंगे इसमें हम 1.5 चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को मिला देंगे। इसमें मिर्च वगैरह नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो पुलाव है चटनी और रायते के साथ खाया जाता है। अब देखिए, इसे मैंने भून लिया है 2 मिनट के लिए और अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये भीगे हुए चावल। चावल का पानी बिल्कुल निकाल देंगे। अब इसी बर्तन में ले लेंगे हम पानी। ये मैंने जिस कटोरी से चावल लिए थे उसी कटोरी से नाप कर ले रही हूँ पानी। पहले लिया है मैंने ये 1 कटोरी पानी, और ये जो दूसरी कटोरी पानी लिया है मैंने, इसे पूरा भरा नहीं है, थोड़ा सा इसे खाली रहने दिया है। मेजरमेंट का ध्यान रखें। अगर आप इस अनुपात से पुलाव बनाएंगे तो पुलाव आपका एकदम खिला खिला बनेगा। आप सभी चीज़ों को मिला देंगे। आप बस इस बात का ध्यान रखें, आपने जिस भी कटोरी या कप से या गिलास से चावल लिए हैं, आपको पानी भी उसी से नाप कर डालना है। अब इसमें डाल देंगे हम नींबू का रस। मैंने ये नींबू के रस के इस तरह से क्यूब बना के रख लिए हैं। मेरे पास ये इस समय पे अवेलेबल है, इसलिए मैं डाल रही हूँ। नहीं तो इसके अलावा आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं। ये क्यूब जो है डालने के तुरंत बाद ही मेल्ट हो जाता है। अब इसे भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। देखिए, ये कितना ईजिली मेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर कुकर का लगा देंगे ढक्कन और फ्लेम को कर देंगे हाई। हाई फ्लेम पर इसे हमें कुक करना है। कुकर की विसिल आने तक हमें इसे कुक करना है। विसिल जैसे ही आने लगेगी तभी हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। इससे ज़्यादा इसे कुक नहीं करना है,
नहीं तो चावल जो है बिल्कुल घुल जाएंगे। अब देखिए इसमें विसिल आने वाली थी, मैंने तभी गैस को तुरंत बंद कर दिया है। अब इस विसिल को इसमें भरे रहने देंगे और जब तक कुकर की विसिल नहीं निकलेगी तब तक इसे खोलेंगे नहीं। कुकर ठंडा होगा इतनी देर में हम इसके लिए रायता तैयार कर लेते हैं। रायता बनाने के लिए देखिए एक बाउल ले लिया है, अब उसमें डाल रही हूँ मैं इसमें 1 कप फ्रेश दही। अब दही को मथनी से मथ लेंगे। देखिए दही को मथनी से अच्छे से मथ लिया है जिससे दही बिल्कुल एक जैसा हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे हम ये फ्रेश हरे धनिया की चटनी, मैंने पहले से ही बना के रख ली थी, मैं इसकी वीडियो आपके संग शेयर कर चुकी हूँ। इसको डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच भर कर इसके अंदर में। साथ ही ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून सूखा हुआ पुदीना। ये पुदीना भी मैंने घर में ही सूखा कर रखा हुआ है। अगर आपके पास फ्रेश पुदीना है तो इसमें आप बारीक बारीक काट कर या फिर उसे ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून नमक, नमक चटनी के अंदर भी है इसलिए मैंने इसमें नमक थोड़ा सा कम डाला है। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस रायते में इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं पड़ेगी क्योंकि चटनी में काफ़ी चीज़ें होती हैं। अब देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, साथ ही उसी बाउल के अंदर डालकर थोड़ा सा पानी डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। देखिए झटपट से रायता तैयार हो गया है। इस रायते के साथ में पुलाव का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हमारे घर में ये ज़रूर से बनाया जाता है। लीजिए अब ये हमारा रायता तैयार हो गया है, अब हम पुलाव को चेक कर लेते हैं। देखिए इसकी विसिल निकल गई है कुकर की, अब यहाँ पर हम कुकर के ढक्कन को खोल लेंगे। आप देखिए पुलाव ये कितना अच्छा बना है, इसका टेक्स्चर भी बहुत अच्छा आया है। अब इसे हम चम्मच से देखिए ऊपर नीचे कर लेंगे इस तरीके से। आप देखिए पुलाव ये एकदम से खिला खिला बना है। अब ये गर्मा गर्म पुलाव को सर्व कर लेते हैं। आप ये पुलाव नाश्ते में, शाम के खाने में या दोपहर के लंच में भी बना सकते हैं। इसे आप टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं और आप इस पुलाव को पिकनिक पर या फिर कहीं भी ट्रेवल के लिए जा रहे हैं आप तो सफ़र में भी लेके जा सकते हैं। अब इसके साथ सर्व कर देंगे हम ये जो भी हमें रायता बना के रखा था वो, और चटनी मैंने पहले से ही तैयार कर रखी थी। इस रायते और चटनी के साथ में पुलाव बहुत टेस्टी लगता है। एक बार आप मेरे तरीके से इसे ज़रूर बनाकर देखिए, आपके घर में सभी को बेहद पसंद आएगा। लीजिए हमारा गर्मा गर्म पुलाव, रायता और चटनी तैयार है। अब इसे अब जल्दी से बनाइए, खाइए और सभी को खिलाइए। आप सभी को मेरी आज की मटर पनीर और काजू के पुलाव की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताएं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल हेल्दी क्रेविंग्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।